बनारस। श्रद्धा और भक्ति में लिप्त यह शहर जितना सुकून देता है, वहीं किसी किसी की नींद गायब कर देता है। जहां पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां नेगेटिव एनर्जी भी होती है। कहते हैं बनारस बहुत प्राचीन शहर है। ये जितना पुराना है, उतना ही यहाँ की गलियों में राज छिपा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ बनारस घूमने आए नितिन के साथ। नितिन एक आर्कियोलॉजिस्ट था। वो अक्सर प्राचीन जगहों पर घूमकर वहाँ के बारे में अपने ब्लॉग पर लिखता था। नितिन को ऐसी जगहों पर घूमना इतना अच्छा लगता था कि उसने ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह ट्रैवल कर लिया था। अब नितिन ने सोचा क्यों ना बनारस घूम लिया जाए और वहाँ की जगहों के बारे में लिखा जाए। नितिन मध्य प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन वो दिल्ली में रहता था क्योंकि वहीं से उसने अपनी आर्कियोलॉजी की पढ़ाई पूरी की। शाम के 5 बजे नितिन अपनी बालकनी में बैठकर बनारस जाने के लिए अपने फ़ोन पर ट्रेन देख रहा था। लकीली उसे नेक्स्ट मॉर्निंग की टिकट भी मिल गई, तो नितिन ने अपने घर पर अपनी माँ के पास फ़ोन लगाया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बनारस जा रहा हूँ और वहाँ से लौटते वक्त घर आऊँगा। नितिन ने अपनी माँ से तकरीबन आधे घंटे बात की, उसके बाद अपनी पैकिंग में लग गया। सुबह उसे जल्दी उठना था, तो उसने खाना बनाया और फिर खा के सोने चला गया। सुबह नितिन की नींद जल्दी खुल गई, तो वो तैयार होकर ट्रेन के टाइमिंग से आधे घंटे पहले पहुंच गया। ट्रेन आई, नितिन उसमें बैठकर उसके अगली सुबह बनारस भी आ गया। सुबह के 6 बजे नितिन ने स्टेशन के पास एक होटल रूम बुक किया और चेक इन करके फ्रेश होने चला गया। रात भर नितिन को नींद नहीं आई क्योंकि उसे ट्रैवल के दौरान नींद थोड़ी कम ही आती थी। नितिन फ्रेश होने के बाद बिस्तर पर यूं पड़ा कि उसकी नींद शाम के 7 बजे ही खुली। नितिन को गंगा आरती देखनी थी। उसने सुन रखा था कि कई देशों से लोग यहाँ की आरती देखने आते हैं, तो नितिन उठकर और फिर फ्रेश होकर गंगा घाट के लिए निकल गया। नितिन का होटल रूम गंगा घाट से बस थोड़ी ही दूर था, लेकिन उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए कई छोटी बड़ी गलियों से गुजरना था। नितिन एक ऐसी ही गली में पहुँचा ही था कि उसे पीछे से किसी लड़की ने आवाज़ दी। नितिन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। नितिन बड़बड़ाया, हो सकता है किसी ने किसी और को आवाज़ दी हो, मैं फालतू में मुड़ गया। इतना कहकर नितिन आगे निकल गया। उसके बाद नितिन ने घाट पर पहुंचकर गंगा आरती देखी। नितिन ने सोचा वो थोड़ा सा घाट के आसपास घूम ले और फिर होटल वापस चला जाएगा। वैसा सोचकर धीरे धीरे भीड़ से अलग होकर किनारे चलने लगा। तभी उसको किसी ने आवाज़ दी, भैया नदी के उस पार चलना है क्या, वहां से नज़ारा और प्यारा दिखता है। इतना सुनकर नितिन ने कहा, भैया चलिए चलते हैं। यह कहकर नितिन नाव से उस पार चला गया। नितिन को उतार कर उस नाव वाले ने कहा, भैया आप तब तक घूम लीजिए, उधर से मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तब आपको ले चलता हूँ। नितिन राजी हो गया और वो नाव वाला उसे वहीं छोड़कर वापस घाट पर चला गया। ठंड की रात थी, तो कोहरे की वजह से उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसे 1 मीटर दूर भी देखने में परेशानी हो रही थी, जब तक नितिन को किसी ने आवाज़ दिया, नितिन 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 नितिन। नितिन ने कहा, कौन है वहाँ। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर नितिन मन ही मन में बड़बड़ाया, ये कहाँ कर फंस गया यार, वो नाव वाला वो मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चला गया और पता नहीं यहाँ किस किस को मेरा नाम पता है। उसके बाद नितिन पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा। उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नितिन भाग ही रहा था कि अचानक उसका पैर
किसी पत्थर जैसी चीज से लगा और नितिन धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके बाद नितिन के मुंह से चीखने की आवाज आई। तब तक नितिन ने महसूस किया जैसे कोई उसके पास आया। अब नितिन को साफ साफ दिख रहा था कि उसके सर के पास एक लड़की खड़ी थी और वो नितिन के कान तक आई और उसने नितिन के कान में कहा, भैया मुझसे मत डरिए, मैं आपका कुछ नहीं करूंगी। उसके बाद नितिन की नींद सीधे सुबह खुली और उसने खुद को सही सलामत पाया।